यदि खेसारी लाल जैसे लोगों को भी यदि लोग गाली देने का साहस कर रहा है, दुसाहस कर रहा है इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को, और आपको बताए 7 साल तक की कड़ी से कड़ी दंड का प्रावधान है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मेरे दोस्त ठीक होंगे। तो मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि ये बंदा जो खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर गाना गया है, इस पर मानहानि का केस होगा, और इसका 1 और 2 और 3 नहीं, 5 भी नहीं, बल्कि 7 साल की इसको सजा होने वाली है, ऐसा खुद पटना के हाईकोर्ट के वकील बताए हैं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी खबर विस्तार से आपका भाई इस वीडियो में आपको समझाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए आपका भाई हमेशा लाता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। भोजपुरी में एक चीज का चर्चा बहुत ही ज्यादा चल रहा है कि खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर एक दोगला सिंह जो है वो गाना गा दिया है। उस दोगले सिंह का अभी उसको पता नहीं है कि कानून क्या चीज होती है, इसीलिए वो हमेशा ऐसा घटिया प्रकार का हरकत करते आ रहा है, जैसा कि 1 साल पहले भी किया था और दोबारा ऐसा हरकत किया है। तो इस बार तो खेसारी भैया से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज भैया, इस बार आप उसको माफ मत कीजिएगा। उस समय तो लतिया के झपिया के छोड़ दिए थे, लेकिन इस बार उसको उसकी औकात का पता चला और उस पर कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा आपको। पूरा फैन आपका कह रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कॉमेंट में यही बात लिख रहे हैं, खेसारी भैया को लाइव आपके रोने के लिए मत कहिए, उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने की कहिए। और ये हम सभी खेसारी फैनों का आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज भैया उस पर लीगल एक्शन लीजिए और जल्द से जल्द उसको कारागार के अंदर कीजिए, ताकि आज के बाद किसी कलाकार की बेटी, किसी कलाकार की पत्नी, किसी कलाकार के परिवार के बारे में कोई आवाज उठाने में भी डरे कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ऐसा आपको इस बार कदम उठाना पड़ेगा भैया, इस सभी का रिक्वेस्ट है। यहां तक कि आप लोग को बता दें कि खुद पटना के हाईकोर्ट के वकील ने भी यह बात बोला है कि अगर खेसारी लाल यादव चाहेंगे तो जो वो बंदा ये गाना गाया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है, और इस अपराध की वजह से उसको 1 नहीं कम से कम 7 सालों की सजा हो सकती है, ऐसा पटना के वकील अपने इंटरव्यू में बताए हैं। और बोले भी हैं कि खेसारी लाल यादव को इस पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। यहां पर कोई किसी का नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि आपका भोजपुरी इंडस्ट्री, आपसे जो बड़े कलाकार है, वो आपके आके साथ देंगे? नहीं देंगे, और उनका साथ की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह हैं, और आपको ये चीज समझना पड़ेगा, और आपका जो बादशाह वाला रुतबा है वो चीज आप दिखाइए। कितना दिन मिलजुल के रहिएगा, कितना दिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस लाइव से कीजिएगा। तो भैया आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आपके सभी फैन का भी रिक्वेस्ट है, यहां तक कि पटना का वकील का भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस पर लीगल एक्शन लीजिए और इसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजिए, ताकि इसको पता चल जाए कि किसी की बेटी, किसी के परिवार पर गाने गाने का सजा क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाने का सजा क्या होता है, किसी का इज्जत उछालने का सजा क्या होता है। क्योंकि जब तक इनको पता नहीं चलेगा, तब तक ऐसे आए दिन कारनामे होते रहेंगे, और कब तक होते रहेंगे। तो यही चीज आपसे सवाल है खेसारी भैया कि इसको जल्द से जल्द बंद कीजिए, हम फैनों का बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। जितने भी मेरे भाई ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारी कही गई बातों से सहमत है तो प्लीज एक लाइन आप भी जरूर खेसारी भैया से कॉमेंट में रिक्वेस्ट कीजिए, ताकि खेसारी भैया जल्द से जल्द इस दोगला सिंह पर एक्शन ले और जल्द से जल्द इसको कारागार में बंद करें। तो चलिए, अगर यह आपको जानकारी पसंद आई होगी, हमारी कही गई बातें पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो, फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक ऐसे ही साथ बनाए रखें अपने दोस्त के चैनल भोजपुरिया जहान के साथ।